नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स की टीम आज अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई की एसआईटी को सौंपने वाली है। ये वो रिपोर्ट है जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि इसी रिपोर्ट पर यह टिका हुआ है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। एम्स की टीम ने पहले ही कह दिया है कि ये कंक्लूसिव रिपोर्ट होगी, यानी इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। लेकिन इस कंक्लूसिव रिपोर्ट को बनाने के लिए जो विसरा लिया गया था, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी हैरान करने वाली हैं। एम्स के सोर्सेस से जो पता चला है, उससे ये पता चला है कि विसरा का जो नमूना एम्स की टीम को दिया गया था, ये विसरा, मैं आपको बता दूं कि कलीना लैब में सुशांत सिंह राजपूत का विसरा दिया गया था, जिसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ लिखा था कि उनके शरीर में इस तरह का कोई पदार्थ नहीं पाया गया जो जहर हो या ड्रग्स हो। तो इसी को उन्होंने, इसी का जो 20% हिस्सा बचा हुआ था वो एम्स की टीम को दिया था, और एम्स की टीम ने इसी की जांच करने की कोशिश की थी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये विसरा जो है ये ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया था, और इससे जो नतीजे आने चाहिए थे वो नतीजे नहीं आए। इसकी जांच से, जो टॉक्सिकोलॉजिकल और केमिकल जाँच से जो नतीजे आने थे वो सही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो विसरा ख़राब हो चुका था या उस हिसाब से नहीं था जैसा कि एक जांच के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा हम ये मान के चलते हैं कि विसरा की रिपोर्ट बहुत क्लियर नहीं थी। तो फिर एम्स की ये कंक्लूसिव रिपोर्ट किस आधार पर होगी, क्योंकि एम्स की टीम के पास ना तो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी जिसकी वो दोबारा अटॉप्सी या पोस्टमार्टम कर सकें, और जो पोस्टमार्टम मुंबई में हुआ है, जो पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ है, वो ऑलरेडी संदेह के घेरे में है। उस पर कई तरह के शक जाहिर किए जा चुके हैं, जिसमें टाइम नहीं लिखा है डेथ का, जिसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई थी कि उनके पेट में कुछ नहीं था, जबकि उनके नौकर ने बताया था कि उन्होंने अनार का जूस पिया था। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो शक के दायरे में उस ऑटोप्सी को ला रही थी, और इसीलिए एम्स की टीम ने उस ऑटोप्सी की जांच की थी। लेकिन उनके पास शरीर मौजूद नहीं था, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही जाँच की गई थी। तो हम बात करें कि कंक्लूसिव रिपोर्ट किस आधार पर होगी। तो पहला आधार होगा वो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कि कूपर अस्पताल ने दी है, जिसको लेके क्रॉस क्वेश्चनिंग एम्स की टीम ने जाकर कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से किए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। दूसरी बात जो सामने आई है कि वो वीडियोग्राफी, यानी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई थी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो वीडियोग्राफी भी बहुत क्लियर नहीं थी। यानी एम्स की टीम को जो वीडियोग्राफी सौंपी गई थी कूपर अस्पताल की तरफ से, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। तो फिर ये कंक्लूसिव रिपोर्ट किस आधार पर है? तो इस कंक्लूसिव रिपोर्ट को अगर हम देखा जाए तो ये आधार है उस ऑटोप्सी का, जो बेसिक उसमें लिखे हुए थे, उनमें क्या गड़बड़ियां पाई गई उन पे सवाल उठाए जा सकते हैं। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर जो रिक्रिएशन किया गया था उसके जो नतीजे आए होंगे उसको लेके ये तैयार की गई होगी। तीसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट में फॉरेंसिक एविडेंस जो उस वक्त मुंबई पुलिस ने इकट्ठे किए होंगे, जो कि पर्याप्त नहीं थे, उनको लेकर एक राय बनाई गई होगी। क्योंकि जो पुख्ता चीज़ें हैं जिन्हें हम ठोस सबूत बोल सकते हैं, वैसी कोई चीज़ एम्स की टीम के हाथ नहीं लगी थी, ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से, ना ही कूपर अस्पताल की तरफ से। तो फिर एम्स ने ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई है? कुछ जानकारों से हमने बात की जिनका कहना यह है कि एम्स के पास जो चीज़ें मौजूद थी उनमें वो फोटोग्राफ्स थे जिसमें सुशांत की बॉडी के पिक्चर्स थे जो मौत के बाद लिए गए थे, उन पर मौजूद निशानों को उन्होंने परखा होगा। दूसरा, जिस तरह के बयान उनके पास मौजूद थे, क्या वो बयान आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उसके आधार पर सीबीआई अब इस फॉरेंसिक टीम के साथ जो रिपोर्ट मिलेगी उसको देखेगी। तीसरी बात जो सबसे अहम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, कि विसरा रिपोर्ट के बाद ये पता लगना था कि क्या उन्हें जहर दिया गया था या फिर वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मरे, ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि विसरा की जो रिपोर्ट है उसकी जांच ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि सैंपल्स अच्छी तरह से प्रिजर्व किए हुए नहीं थे। तो सीबीआई की टीम अब किस आधार पर कोई फैसला लेगी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट उसे एम्स ने सौंपी है? जानकारों का कहना है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है पूरी जांच को लेके, उससे ये लगता है कि अब सीबीआई के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर यह तय करे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं कि उनकी जो ऑटोप्सी को लेकर सवाल उठाए गए थे, अगर उन सवालों के सही सही जवाब नहीं मिले हैं तो वो
हत्या को रूल आउट नहीं करेंगे, वो इस एंगल को देखेंगे। दूसरी बात, जो उनके घर में मौजूद लोग थे, अगर उनके बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं तो वो शक के दायरे